माता की, भारत माता की, पूरा दुनिया के गणतंत्र के मतलब बतावे, आज सिखावे वाला हाजीपुर के ये महान धरती के प्रणाम करत हते। आज देश में चौथे चरण के लिए मतदान हो रहा है। मेरा सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि वो ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करें। ये चुनाव लोकतंत्र के एक महापर्व होता है और ज्यादा मतदान इसकी शोभा और बढ़ा देता है, और आपका एक एक वोट ये हमारे लोकतंत्र का गहना बन जाता है। साथियों, ये भगवान महावीर की धरती है, ये भगवान बुद्ध की धरती है, ये वो धरती है जहां लोकतंत्र की भी जड़ें हैं, और ये वो धरती है वहां रामचौरा मंदिर भी है, और मान्यता है कि यहां हमारे प्रभु श्री राम के चरण पड़े थे। इसलिए हाजीपुर आकर आपसे आशीर्वाद लेना मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। साथियों, ये पहला लोकसभा चुनाव है जब हम स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की अनुपस्थिति में लड़ रहे हैं। रामविलास जी सामाजिक न्याय के सच्चे साधक थे और हाजीपुर के प्रति उनका लगाव, हाजीपुर के प्रति उनका समर्पण ये हमेशा हमेशा याद रहेगा। हाजीपुर के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए हम सब संकल्पबद्ध हैं। साथियों, 4 जून बहुत दूर नहीं है। 4 जून को सुबह के इस समय सबकी नजर टीवी पर होगी, रेडियो पर होगी, सोशल मीडिया खंगालते होंगे, और आप जो आशीर्वाद दे रहे हैं वो 4 जून को एक के बाद एक भाजपा एनडीए के विजय की ओर आगे बढ़ता जाएगा। और चुनाव के परिणाम क्या कहेंगे, चुनाव के परिणाम क्या कहेंगे, फिर एक बार एनडीए को दिया आपका वोट, केंद्र में मोदी की मजबूत सरकार बनाएगा। आरजेडी, कांग्रेस या इंडिया अलायंस को तो अगर किसी ने गलती से भी बटन दबा दिया ना तो उसका वोट तो बेकार जाना जाना तय है। और बिहार के लोग तो समझदार है, वो बेकार जाने वाली चीज कभी करते ही नहीं है।
और इसलिए अपना वोट सरकार बनाने के लिए दीजिए, देश बनाने के लिए दीजिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए दीजिए। आपका वोट एनडीए को दीजिए। साथियों, बिहार के लोगों के सामर्थ्य और बिहार के लोगों की समझदारी का मैं बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन मुझे ये देखकर दुख भी होता है कि सामाजिक न्याय के नाम पर लालटेन वालों ने बिहार में कितनी अंधेर गर्दी फैलाई। इन लोगों ने बिहार के लोगों को गरीब और अभाव में धकेल दिया, जंगल राज दिया। इन लोगों ने सबको बर्बाद किया और खुद अपने आलीशान महल खड़े कर दिए। क्या ऐसे लोग बिहार का कभी भी भला कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? आरजेडी कांग्रेस में बिहार को आगे बढ़ाने की इच्छा शक्ति ही नहीं है। वे तो सोच रहे हैं अभी जितना समय बचा है खुद का जितना लूट सके लूट ले, वो अपने बच्चों को सेट करने में लगे हैं, उनको आपके बच्चों की परवाह नहीं है। आप लोग यहां एक कहावत कहते हैं ना, ना निमन गीतिया गाइब ना मड़वा में जाइब। आरजेडी कांग्रेस का हाल यही है। ये लोग विकास के कार्यों से भागते हैं क्योंकि उसमें मेहनत लगती है, खुद को खपाना होता है। इन लोगों के नकारे पन्ने बिहार के कई अमूल्य दशक बर्बाद किए हैं। ऐसे लोगों से हमें बिहार को बचाकर रखना है। भाइयों और बहनों, आरजेडी हो कांग्रेस हो, इन दोनों पार्टियों ने अब तुष्टीकरण को अपना सबसे बड़ा राजनीतिक हथियार बनाया है। आजकल आप देखते होंगे इंडी अलायंस का हर दल राम मंदिर के लिए बद्दी बद्दी बातें कर रहा है। राम मंदिर को गाली देकर उसका बहिष्कार करके ये आपको चिढ़ा रहे हैं। क्या ऐसे लोगों को आप माफ करेंगे क्या? ऐसे लोगों को कोई माफ कर सकता है क्या? साथियों, आरजेडी कांग्रेस की प्राथमिकता आप लोग नहीं है बल्कि उनका अपना वोट बैंक ही है। अभी आपने सुना होगा बिहार में जंगल राज लाने वाले जो व्यक्ति है, जो चारा घोटाले में अदालत ने सजा की हुई है, गुनहगार माना है, उन्होंने अभी अभी एक बयान दिया। उन्होंने कहा
कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए और वो भी पूरा का पूरा, यानी दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों को मिलने वाला पूरा आरक्षण ये अब सिर्फ मुसलमानों को देना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मैं भी आप ही तरह अति पिछड़े समाज से आता हूं। मैं जानता हूं ऐसा सुनकर के उनकी बेचैनी कितनी बढ़ जाती है। उनको लगता है हमारा तो भविष्य डूब जाएगा। हमारे दलित भाई बहन, हमारे आदिवासी भाई बहन, हमारे पिछड़े, हमारे अति पिछड़े, अगर धर्म के आधार पर आरक्षण के नाम पर उनको बाबा साहब ने जो अधिकार दिया है, संविधान ने जो अधिकार दिया है, वो अगर लूट लिया जाएगा तो इनकी तो आने वाली सारी पीढ़ियां बर्बाद हो जाएगी। लेकिन हम इन्हें न बाबा साहब की परवाह है, न इन्हें संविधान की परवाह है। क्या बिहार का दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, ये हमारे समाज के लोग अपना हक आरजेडी कांग्रेस वालों को छीनने देंगे क्या? छीनने देंगे क्या? और मैं आपको गारंटी देता हूं, जब तक मोदी जिंदा है, ये आपके अधिकारों पर डाका नहीं डाल सकते, ये आपके आरक्षण को छीन नहीं सकते। वो समझ ले, वो वक्त चला गया कि आपने महिलाओं को मिलने वाले आरक्षण के कागज फाड़ दिए थे। आगे अगर ऐसी कोई कोशिश करेंगे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। साथियों, ये बीजेपी है, एनडीए है, जो सामाजिक न्याय की पहरेदार है। आज देश में एससी एसटी ओबीसी के सबसे अधिक एमपी, सबसे अधिक एमएलए ये बीजेपी और एनडीए के हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल में 60% मंत्री इन्हीं वर्गों के हैं। इतना ही नहीं, 2014 में जब हमारी सरकार बनी तो हमने एक दलित बेटे रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति बनाया, और अब आदिवासी समाज की बेटी द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति रहने के नाते मार्गदर्शन कर दिए। ये होती है भागीदारी, ये होता है सबका साथ सबका विकास का मंत्र। भाइयों और बहनों, कांग्रेस आरजेडी ने मिलकर बिहार की अनेक पीढ़ियों को, उनके सपनों को तबाह किया है। और आज जब यहां इतनी बड़ी मात्रा में माताएं बहनें आशीर्वाद देने आई है, 40 साल से लटका हुआ एक मामला आरजेडी वालों ने पार्लियामेंट में जिसको, जिन कागजों को छीन करके फाड़ दिया था, वो मामला था इस देश की माताओं बहनों को पार्लियामेंट में, असेंबली में अधिकार देने का, आरक्षण देने का। और इसके कारण, ये आरजेडी की मानसिकता के कारण, कांग्रेस की विकृत मानसिकता के कारण महिलाओं को अधिकार नहीं मिला। ये आपका भाई, माताएं, आपका बेटा, आपने जब मुझे वहां सेवा करने के लिए भेजा ना, मैंने नई संसद बनते ही महिलाओं के लिए आरक्षण का भी काम पूरा कर दिया। ये आरजेडी वाले इसके विरोधी हैं,
अगर ये दोबारा कोशिश की आने की तो ये भी छीन लेंगे, आप मान के चलिए। आरजेडी के राज में यहां सिर्फ अपहरण और फिरौती उद्योग ही फला फूला। हाजीपुर ने तो देखा है कैसे यहां के उद्योग धंधे सब चौपट हो गए। आरजेडी कांग्रेस ने बिहार को सिर्फ पलायन दिया, बिहार को सिर्फ तबाही दी। साथियों, मोदी विकसित बिहार, विकसित भारत के संकल्प को लेकर निकला है और मोदी का एनडीए का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? हमारा ट्रैक रिकॉर्ड भ्रष्टाचारियों को खोज करके सजा देने का है। मैं देश को, आप लोगों को एक आंकड़ा देता हूं, आप लोग ध्यान से सुनेंगे आंकड़ा, ये आपको काम आएगा। ये जो टीवी पर आप नोटों के पहाड़ देखते हैं ना, ये राजनेताओं के यहां से पकड़े जाते हैं। ये गरीब का पैसा है और ये गरीब के पैसों की लूट मुझे सोने नहीं देती है। भाइयों, जब केंद्र में ये आरजेडी और कांग्रेस वाले सरकार चलाते थे, तब ये ईडी जो कर रहे हैं ना, ये क्यों चिल्ला रहे हैं मैं बताता हूं। ये ईडी ने उस समय कितना रुपया जब्त किया था मैं बताऊं? उस समय उन्होंने कांग्रेस के 10 साल में सिर्फ 35 लाख रुपया जब्त किया था, पूरे देश में से 10 साल में 35 लाख। 35 लाख रुपये मतलब जो बच्चा स्कूल जाने का बैग लेके जाता है ना, वो बैग में आ जाए, स्कूल बैग में भर जाए, इतने 35 लाख रुपया जब्त किया था। और चोरी करने वाले चोरी कर रहे थे। मोदी ने, ये जो चोरों ने रुपया पैसा गरीबों का लूटा है, उनके यहां सर्च की, 10 साल में मोदी ने कितना रुपया जब्त किया बताऊं? मोदी ने 2,200 करोड़ रुपया जब्त किया है। उन्होंने जो पैसा जब्त किया था वो स्कूल बैग में आ जाए इतना था। मोदी ने जो पैसा जब्त किया है, अगर उन पैसों को ले जाना है तो जो छोटे ट्रक आते हैं ना, 70 ट्रक लगते हैं, 70 ट्रक, 70। कहां एक स्कूल बैग वाला पैसा और कहां 70 ट्रक भर करके पैसा। और ये चोरों को नींद उड़ गई है और इसलिए मोदी को गाली दे रहे हैं। साथियों, इन लोगों ने आपको लूटकर नौकरी के बदले जमीनें लिखवाकर दिल्ली और देश में जो जायदाद बनाई है वो अब सब एजेंसियों ने जब्त कर ली है। और मैं आपको भरोसा गारंटी देता हूं, जितने गरीब से जमीन छीनी है वो बच करके नहीं जाएगा। साथियों, मोदी के सेवा काल में भारत में देश की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ रही है और जब अर्थव्यवस्था आगे बढ़ती है तो उतने ही रोजगार के भी मौके पैदा होते हैं। पिछले 10 साल में बिहार में 1,400 किलोमीटर नई रेल लाइनें बिछाई गई, बिहार में 400 से अधिक रेलवे फ्लाईओवर और अंडरपास बने। कोई मुझे बताइए, क्या बिना रोजगार को ये काम हुआ होगा क्या? छुमंतर करके जैसे रुपये ले जाते हैं वैसे पुलिया भी बन जाती होगी क्या? किसी को तो रोजगार मिला होगा ना, तब जाकर के बना होगा। पिछले 10 साल में
बिहार में 3,300 किलोमीटर के नेशनल हाईवे बने हैं। मुझे कोई बताएं भाई बुद्धिमान, 3,300 किलोमीटर हाईवे क्या बिना रोजगार दिए बन जाते हैं क्या? लगातार चौड़े हो रहे हाईवे हो, एक्सप्रेस हो, बिहार में खाद के कारखाने का काम हो, थर्मल पावर प्लांट हो, गंगा नदी पर बन रहे अनेकों बड़े पुल हो, पटना में मेट्रो में चल रहा कार्य हो, नेचुरल गैस का नेटवर्क हो, गांव गांव तक उज्ज्वला की गैस पहुंचाने का नेटवर्क हो, ये सब रोजगार की गारंटी होते हैं, रोजगार की गारंटी। लेकिन जो अपने बाप दादा की कमाई खा करके जीते हैं उनको रोजगार क्या होता है इसकी समझ तक नहीं है जी। अभी मोदी ने तय किया है कि बिहार के 90 से ज्यादा रेलवे स्टेशनों को आधुनिक बनाया जाएगा। क्या ये बिना रोजगार पैदा किया होगा क्या? पिछले 10 साल में मोदी ने देश के 4 करोड़ पक्के घर बनाकर गरीबों को दिए हैं। अकेले बिहार में ही 40 लाख पक्के घर बनवाए गए। इन घरों के लिए जो सीमेंट सरिया आया है, ईंट बालू आया है, वो भी मोहल्ले की दुकान से ही तो गया है। इन सबका लाभ बिहार के नौजवानों को ही तो हुआ है, उन्हें रोजगार के व्यापार कारोबार के नए अवसर मिले हैं। साथियों, मोदी के वारिस कौन है? है आपके पास कोई नाम कि भाई मोदी इसको देकर के जाएगा? कोई नाम नहीं है। क्यों? मोदी के वारिस आप हैं। मोदी के वारिस आप हैं। मोदी के वारिस आपका परिवार है। मोदी के वारिस आपके बच्चे हैं। और मुझे वारिस में आपको सब कुछ देकर के जाना है। मुझे आपको सुख चैन की जिंदगी देकर के जाना है। मुझे आपको आपके बच्चों के उज्जवल भविष्य की गारंटी देकर के जाना है। मुझे आपको विकसित भारत आपके हाथ में सौंप करके जाना है। और इसलिए मैं हर कोशिश कर रहा हूं कि युवाओं के हर सपने पूरे हो, वो हर काम कर सके, अपने सारे सपनों को सिद्ध कर सके। आपको जानकर खुशी होगी, सिर्फ मुद्रा योजना में बिहार में 2.5 लाख करोड़ रुपए की मदद युवाओं को दी गई है। 2.5 लाख करोड़, और वो भी मोदी की गारंटी पर। इन युवाओं से गारंटी नहीं मांगी, उनसे उनकी संपत्ति का हिसाब नहीं मांगा। मोदी को बिहार के नौजवानों पर भरोसा है, उनको मैं रुपये दूंगा वो डबल कर देंगे और बैंक का लोन भी वापस कर देंगे, ये मेरा भरोसा है। ये 3 लाख करोड़ रुपये यहां दलित अति पिछड़े पिछड़े युवाओं को मिले, महिलाओं को मिले, इससे यहां लाखों काम शुरू हुए। यहां वैशाली सहित पूरे बिहार में टूरिज्म आधारित रोजगार की अद्भुत संभावना है। यहां बुद्ध सर्किट योजना के तहत काम चल रहा है, इससे भी क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर बनेंगे। साथियों, विकसित बिहार, विकसित भारत के लिए आपको 20 मई को ज्यादा से ज्यादा मतदान करना है। करोगे? ज्यादा से ज्यादा मतदान करोगे? पुराने रिकॉर्ड तोड़ेंगे? रामविलास को जितने वोट मिले हैं, मुझे चिराग के लिए उससे ज्यादा वोट चाहिए। रामविलास जी के आत्मा को चिराग के जीतने से शांति नहीं होगी,
रामविलास को मिले वोट से ज्यादा वोट मिलेंगे तब जाकर के रामविलास जी को शांति होगी। और इसलिए इस बार जब आप वोट देंगे ना तो एक वोट की ताकत है आपके चिराग का जीतना, और उसी वोट की आत्मा है रामविलास को श्रद्धांजलि। भाइयों बहनों, मैं चिराग के लिए इसलिए नहीं आया कि उसको मुझे जिताना है, वो तो जीतने वाला ही है। मैं यहां आया हूं रामविलास जी का कर्ज चुकाने के लिए। मेरे अनन्य साथी रहे रामविलास जी, और इसलिए मैं सामने से यहां आया हूं। मुझे मालूम है यहां का परिणाम आप लोगों ने तय कर लिया है। चिराग के प्रति मेरा प्यार इसलिए है, मैं पब्लिकली आमतौर पर बोलता नहीं लेकिन आज बोल देता हूं, चिराग जब पहली बार पार्लियामेंट में आए तो मैं तो इतना ही जानता था रामविलास जी के बेटे हैं, लेकिन मैं देखता था उनके व्यवहार में रामविलास जी के बेटे होने का गुरूर का नामो निशान नहीं था। ये बहुत बड़ी बात है और मैं इसके लिए उनकी माता जी को सारे क्रेडिट देता हूं। आपने इसको ऐसा संस्कार दिया गुरूर का नामो निशान नहीं। दूसरी बात मैंने एक बार हमारी कैबिनेट में कही थी, शायद चिराग को भी पता नहीं होगा रामविलास जी कैबिनेट में थे। मैंने कहा कि मैं देखता हूं कि चिराग जब पार्लियामेंट चलती है वो पूरे दिन सदन में बैठता है। सॉरी मैं जरा तूतारी कर देता हूं कि मैंने उसको बेटे की तरह देखा है, वरना वो हमारे माननीय सांसद है। पूरा समय पार्लियामेंट में वो बैठते थे 14 से 19। मैंने कैबिनेट में कहा, मैंने कहा देखिए भाई इस बच्चे में सीखने की जानने की इतनी लगन है। वो एक एमपी के रूप में इतना कोशिश कर रहा है सीखने की, और मैं मानता हूं एक सांसद के रूप में चिराग सफल सांसद है। आपके इस बिहार के सच्चे प्रतिनिधि है, और इसलिए आप जब चिराग को वोट देंगे ना तो वो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। अच्छा मेरा एक काम करेंगे, जरा सब बताइए मेरा एक काम करेंगे। ऐसे नहीं, चिराग की बात कर रहा हूं तो बड़ा उत्साह आ जाता है, मेरी बात करता हूं ठंडे पड़ जाते हो। जरा हाथ ऊपर करके बताइए मेरा काम करोगे। देखिए यहां से जाने के बाद ज्यादा से ज्यादा घरों में जाइए, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइए और जाकर के कहिए कि मोदी जी आए थे, मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है, मेरा जय श्री राम पहुंचा दीजिए, मेरा जय श्री राम पहुंचा दीजिए। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।